अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए एक एक्सपर्ट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर जो 9 है उसको समझेंगे डिटेल के साथ। और सबसे पहले मैंने चैप्टर का जो नाम है वो पर मेंशन किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर का नाम है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिसमें जो आपके 9 से लेकर 14 तक चैप्टर मिलते हैं और बोर्ड में इसमें से इस पोर्शन में से जो आई थिंक 47 या 45 मार्क्स का जो पेपर है वो आता है। इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से बच्चों आपको करना चाहिए, सो दैट आपके लिए जो पेपर में पास होना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो आज हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, उससे हम फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं ताकि उन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम जो अपने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आइए, ट्रिग्नोमेट्री एक लफ्ज़ है जो कि ग्रीक लेटर्स किस से मिलकर बना हुआ है, टेरी नंबर 1, दूसरा है जी बच्चों गोनो और तीसरा है मेट्र। इन तीनों लफ्जों को कंबाइन करके जो लफ्ज बनता है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब ये जो तीन लफ्ज हैं ये तीनों ग्रीक लेटर हैं। अब इन अल्फाज का जो हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में ट्राई कहते हैं, टेरी कहते हैं थ्री को, और गोनो कहते हैं एंगल को, और मेट्रन कहते हैं मेजरमेंट को। मतलब क्या है, अगर हम तीन जो एंगल है उनको मेजर कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो डेफिनेशन बनती है मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। थ्री के में समझ है, मेजरमेंट कहते हैं हमारे उसको स्केल से मापना या किसी प्रोट्रैक्टर से मापना। एक लफ्ज लिखा होगा बच्चों एंगल, तो हमें सबसे पहले जो एंगल है उसकी समझ होती है कि एंगल होता क्या है। तो एंगल की हम डेफिनेशन करेंगे, तो बच्चों आप लोगों ने ज्योमेट्री के अंदर डिफरेंट टाइप की जो चीजें हैं वो सीखी होंगी। इसका बच्चों नाम है लाइन सेगमेंट, इसको बच्चों कहते हैं लाइन और इसे बच्चों कहते हैं रे। अब इनमें डिफरेंस ये है कि इसके हमें स्टार्ट पॉइंट का पता होता है, एंड पॉइंट का भी पता होता है, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट, और इसको लाइन कहते हैं। इसके ना तो हमें स्टार्ट का पता होता है और ना ही एंड का पता होता है, दोनों तरफ एरो, मतलब ये है ये भी चल रहा है उधर भी चल रहा है और इधर भी ये चल रही है लाइन। आगे है जी रे, रे कि हमें स्टार्ट पॉइंट का तो पता होता है कि इसने शुरू कहाँ से होना है। आगे लगा हुआ है एरो, हमें इसके एंड पॉइंट का नहीं पता होता है। ऐसी शेप जिसके स्टार्ट पॉइंट का तो पता हो एंड पॉइंट का ना पता हो उसको हम कहते हैं रे। और एंगल के अंदर जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें रे आएगा, इसलिए मैंने इनको समझा दिया कि रे के हमें स्टार्ट पॉइंट का पता होता है लेकिन एंड पॉइंट का पता नहीं होता। एंगल क्या है, यूनियन ऑफ टू रेस विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब क्या है कि दो रेस हो और उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, तो वो क्या बनाएंगे मिलके, फॉर्म एन एंगल। अब कुछ बुक्स पे लिखा हुआ है कॉमन एंडिंग पॉइंट, तो एंडिंग पॉइंट तो रे का होता ही नहीं है, इसलिए या गूगल से सर्च करके चेक कर लें तो वहां पे लिखा होगा कॉमन एंडिंग पॉइंट, तो वो डेफिनेशन रॉन्ग है क्योंकि जो रे है ना उसके हमें एंड पॉइंट का तो पता ही नहीं होता, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब एंगल के जो डायग्राम है वो बनाते हैं, तो ये एंगल है, ये भी रे जहाँ पे मिल रही है उसको ना देते हैं ओ का, यहाँ पे कोई एंगल मान लें। अब इसमें देखें तो अब जहां पे दोनों ये रेस कट कर रही हैं, जहां पे दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, इस पॉइंट का बच्चों नाम है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की डेफिनेशन है
कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू रेसिस कार्ड वर्टेक्स, तो जहां पे दोनों रेस का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होगा उस पॉइंट का नाम क्या होगा? वर्टेक्स। और जो वर्टेक्स है बच्चों वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 0 0, एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। अपना एंगल दो तरह से मेजर होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट, एक बच्चों होती है एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट। अब लगना कैसे पता है? जो मैंने ऊपर एरो लगा दी है ना, इसने बताना है कि हमने क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल होते हैं बच्चों वो पॉजिटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव थीटा। और जब क्लॉकवाइज एंगल होगा वो बच्चों कैसा होगा? नेगेटिव थीटा होगा। ये एरो बता रहे हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। आगे इस एंगल के ये दो बाजू हैं, एक को बच्चों कहते हैं इनिशियल आर्म और दूसरे को कहते हैं फाइनल या टर्मिनल आर्म, फाइनल आर्म या टर्मिनल। तो ये दो बाजू हैं। अब हमें चलना कहां से पता है कि इनिशियल कौन सा है और फाइनल कौन सा है, टर्मिनल कौन सा है? तो जहां पे एरो होगा वो बच्चों फाइनल आर्म होगा, और जिस तरफ एरो नहीं लगा होगा जिसके साथ वो कौन सा आर्म होगा? इनिशियल आर्म होगा। आगे एंगल की मेजरमेंट दो तरीके हैं, एक है बच्चों रेडियन, एक है सेक्टाडेसिमल सिस्टम। तो दोनों को हम डिटेल में समझेंगे, पहले समझेंगे सेक्टाडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर बच्चों जो एंगल्स मेजर होते हैं वो डिग्री में मेजर होते हैं, मिनट्स में मेजर होते हैं और साथ सेकंड्स में। डिग्री के लिए ऊपर छोटा सा नॉट लगा होता है, एक डैश, और एस के लिए 2 डैश लगे होते हैं। अब इस सिस्टम के अंदर एंगल होते हैं, अब फर्ज करें हमारे पास एक पूरा सर्कल है। अब सर्कल कैसे बनता है? पॉइंट को ऐसे घुमा के वहां सर्कल बनाते हैं, और एक सर्कल में एंगल बच्चों कितना होता है? 360 का। जैसा कि अगर मैं वही डायग्राम एंगल वाली लूं कि मेरे पास इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है, अगर मैं इसे ऐसे घुमाता रहूं कितने मर्जी में चक्कर लगवा सकता हूं। और जब एक चक्कर मुकम्मल होता है ना बच्चों, तो एक चक्कर में जो एंगल होता है वो 360 का होता है। तो एक ही इनिशियल और टर्मिनल आर्म से हम जितने मर्जी सर्कल बना सकते हैं, जितने मर्जी जो एंगल्स हैं, हम बहुत ज्यादा एंगल्स को बना सकते हैं। और एंगल्स का नाम क्या है? को टर्मिनल एंगल, मतलब उनके टर्मिनल सेम है। अगर हम इससे ऑनवर्ड चले पूछो तो ये डेफिनेशंस हो गई हैं। आगे मैंने बता दिया मेजरमेंट्स का SCS। अब इसमें इस नाम दिया इसने बुक वाले ने O और A, और इसको नाम दे देते हैं हम। अगर मैं इसको रोटेट करके, मतलब ये O A है ना, इसको घुमा के मैं इसके ऊपर ही ले आऊं दोबारा, एक मुकम्मल चक्कर हो जाएगा, मतलब एंगल बनेगा 360 डिग्री का। अगर चक्कर आधा होगा 1/2 रोटेशन, फिर बच्चों एंगल आ जाएगा 180 का। ये एमसीक्यूज के लिए। अगर बच्चों लिखा 1/4 ऑफ रोटेशन, फिर बच्चों एंगल होगा 90 का। अब ये लफ्ज ROT रोटेशन के शॉर्टकट फॉर्म में, तो एक रोटेशन में बच्चों एंगल होता है 360 होता है, अगर हम उसका आधा करेंगे तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा? 180। उसका और आधा करेंगे तो कितना आंसर बच्चों मिल जाएगा हमें? 90। आगे कुछ और चीजें हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, तो क्वेश्चन में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इस तरह से आपके जो सवाल हैं वो बड़े ही आसान हो जाएंगे। एक रोटेशन में बच्चों एंगल कितना होता है? मैं भी बता रहा था, वो होता है बच्चों 360 इन डिग्री। और एक डिग्री बच्चों कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और एक बच्चों मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो डिग्री यूनिट बड़ा है, उससे कम मिनट है, और उससे कम क्या है? सेकंड है। आगे है कन्वर्जन। अगर हमारे पास डिग्री मिनट और सेकंड में दिया हो,
डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, ये कन्वर्टर सीखनी है जो कि बड़ी हेल्पफुल होगी। अगर एंगल में डिग्री दिया हुआ है उसको हमने मिनट में चेंज करना है या उसको हमने सेकंड में चेंज करना है। अगर डिग्री से बच्चों मिनट में आना है, हमने उस एंगल को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर हमने मिनट का ये डैश लगा देना है। अगर हमने बच्चों एम से जाना है एच की तरफ, तो हमने इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर हमने डबल डैश लगा देना है। अगर हमने कुछ स्किप करना है तो हमने उस नंबर को 3600 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमने वापस चलना है फिर हम उसी नंबर को 60 पे डिवाइड करेंगे, ऊपर डिग्री का निशान लगा देंगे। अगर एस से एम में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 60 से, ऊपर हम एक डैश लगा देंगे। अगर हम स्किप करके डायरेक्ट डिग्री में जा रहे हैं, उस वैल्यू को बच्चों हमने 3600 के साथ डिवाइड करके ऊपर डिग्री का निशान लगा देना है। तो आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं, फिर हम इससे ऑनवर्ड जो अगला एंगल मेजरमेंट का यूनिट है उसको समझेंगे। तो उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को करके फिर हम अगले जो सवालात हैं उनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 डिग्री एंड 30 मिनट्स और सवाल है इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करें। तो जब भी बात एक याद, जब भी कोई डेसिमल फॉर्म में एंगल होगा तो वो एक यूनिट के अंदर एंगल होगा, या वो सारा डिग्री में होगा, या वो सारा मिनट में होगा, या वो सारा क्या होगा सेकंड में। और मोस्टली अगर एंगल में डेसिमल है उसमें डिग्री ही होगी। तो अब हमने इसको वापस डिग्री में चेंज कर लें अदर वर्ड। तो जो डिग्री वाला है उसको हमने कुछ नहीं कहना, अब ये मिनट में है इसको मैंने वापस डिग्री में लेके जाना है। तो रिवर्स में हम क्या करते हैं, उस गिवन एंगल को 60 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हमने डिवाइड करना है हमने इसका जो साइन है उसको डिग्री में चेंज कर देना है, क्योंकि ये डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। आगे 16 डिग्री एज इट, दोनों करेंगे हम डिवाइड तो 0.5 और डिग्री, इन्हें करेंगे प्लस तो 16.5 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा क्या है बच्चों आंसर। अगर हम इससे आगे चले, एक और क्वेश्चन है 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड्स, इनको भी हमने डेसिमल में चेंज करना है। 18 एज इट डिग्री में 6 मिनट है, 6 को बच्चों हमने 60 से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया डिग्री। आगे 2100 को हमने 3600 से डिवाइड करना है 21 को, ये भी क्या बच्चों बन गया है डिग्री बन गया है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में करना है डिवाइड, या एलसीएम कर ले कुछ भी करके आप इनको हल कर सकते हैं। तो इनको करेंगे डिवाइड तो हमें जो आंसर बच्चों मिलेगा वो मिलेगा 0.1 डिग्री, इसे करेंगे तो 0.00533 डिग्री, इन्हें आपस में जमा करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको चेंज करना है डिग्री मिनट और सेकंड्स के अंदर। तो उसका क्या होता है तरीका कार, आप जो डेसिमल से नंबर पहले है ना उसको हमने बच्चों अलग कर लेना है और डेसिमल समेत जो अगला नंबर है उसको हमने बच्चों अलग कर लेना है। अब जिसमें डेसिमल पार्ट होगा उसको हमने उससे अगले यूनिट में चेंज कर देना है। तो 21 एज इट 0.256 को बच्चों हमने नंबर वन, इसको मिनट में चेंज कर रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर हमें निशान कौन सा लगा देना है मिनट का। तो इनको आपस में करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई इन नंबर्स को, तो 21 डिग्री और इसका आंसर बच्चों मिल जाएगा हमें 15.36 मिनट। अब देखिए तो फिर डेसिमल आ चुके हैं, तो इसको फिर दो हिस्सों में करेंगे, 21 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 0.36 मिनट। अब इसमें डेसिमल है इसको उससे अगले मिनट से हमने सेकंड की तरफ चले जाना है, इस नंबर को फिर हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ, क्योंकि अब हम ना स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 60 से करना है, जब कुछ वैल्यू स्किप करनी है तो फिर हमने इसको 3600 के साथ करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आपस में दोबारा, तो हमें इसका जो आंसर मिलेगा 21.6 सेकंड मिलेगा। इससे फर्दर यूनिट है ना वो हम नहीं कर सकते हल। तो आप देखिए पॉइंट के बाद ये 6 है,
इसमें ना राउंड ऑफ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे हम सिंपल राउंड ऑफ करते हैं, अगर 5 मिनट से ग्रेटर हो हाँ पिछले वाले में एक नंबर बढ़ा देते हैं, लेकिन जब डिग्री मिनट सेकंड वाले को राउंड ऑफ करना होता है ना, तो जो उसका थोड़ा रूल जो है ना बच्चों वो थोड़ा डिफरेंट है। अब वो रूल ये है कि अगर पॉइंट के बाद नंबर हमारा 3 या उससे बड़ा हो, या 3 आ जाए या उससे बच्चों के आगे बढ़ा, हमने पिछले वाले में 1 बढ़ा देना, मतलब क्या होगा 21 डिग्री 15 मिनट, इसका बच्चों आ जाएगा 22 सेकंड्स, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट पे अगला नंबर है वो क्या है 3 या उससे बड़ा है, तो हमने पिछले वाले में 1 नंबर ऐड कर दिया है। तो इस तरीके कार से हम किसी भी एंगल को जो कि डिग्री में है उसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, इसको सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। अगर एंगल डिग्री मिनट और सेकंड में दिया हुआ है उसको वापस हम डेसिमल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगला हमारा हिस्सा है जी रेडियन। तो रेडियन में एंगल, जब भी कोई सर्कुलर सिस्टम की बात हो रही होगी उसमें जो एंगल्स मेजर होंगे वो रेडियन फॉर्म में मेजर होंगे, रेडियन फॉर्म में। अब जब भी कोई सेंटर के साथ एंगल बनेगा ना रेडियन, दूसरा इसका नाम है जो सर्कुलर सिस्टम भी है, सर्कुलर सिस्टम। तो जहां भी सर्कल की बात होगी आसान लफ्जों में हम बोलेंगे तो उस सिस्टम में जो एंगल मेजर होंगे वो किस फॉर्म में मेजर होंगे, रेडियन फॉर्म में। तो सर्कल ड्रा करते हैं, हमारे पास ये इसका रेडियस है, अगर हम इस लेट्स सपोज ये ओ है और ये क्या है ए है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा सेंटर के साथ, और वो किस फॉर्म में बेटा मेजर होगा, रेडियन फॉर्म में। तो रेडियन फॉर्म में सेंटर के साथ जो एंगल बनता है ना उसको रेडियन फॉर्म में दिया जाता है। अब हमने इसको डिफाइन भी करना है रेडियन होता क्या है असल में। अब देखिए ना हमारे पास एक रेडियस है, लेट्स सपोज इसको आर से मेंशन करेंगे, ओ ए रेडियस है और ओ बी भी क्या है रेडियस है। अब इस रेडियस को मैं इतना घुमाऊं इसके सरकमफेरेंस के ऊपर जितनी इसकी लेंथ है ना इस आर की उतनी ही लेंथ ये वाली बन जाए, लेट्स सपोज अगर ये लेंथ है 5, इसको मैं इतना मूव कराऊं ए से कि 5 पे जाके जो एंगल सेंटर के साथ बनेगा ना बच्चों वो होगा 1 रेडियन के बराबर। कितना एंगल होगा बच्चों, 1 रेडियन के बराबर वो एंगल होगा। मैं रेडियस को डिफाइन करता हूं, रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क। ये बच्चों एक आर्क है, जो एंगल इससे बनेगा वो सेंटर के साथ बनेगा वो किस फॉर्म में होगा, रेडियन फॉर्म में होगा। उसको हमने 1 रेडियन कब कहना है, जब ये जो आर्क लेंथ है इसकी जो लंबाई है और जो आर है मतलब रेडियस ऑफ सर्कल है, जब दोनों लंबाइयां बराबर हो जाएगी ना तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो कितना होगा फिर बच्चों, 1 रेडियन का। आगे सुने whose length is equal to radius of circle, मतलब जो आर्क लेंथ है अगर इसकी लंबाई आर के बराबर हो जाए तो जो एंगल सेंटर में बनेगा वो कितना बच्चों होगा, 1 रेडियन का। इसके बाद अगर हमारे पास रिलेशन आप ढूंढते हैं बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में क्या ताल्लुक है, तो डिग्री के पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। डिग्री होता क्या है, अगर हमारे पास बच्चों कोई भी सर्कल है ना, सर्कल के अंदर जो बच्चों होता है ना एंगल वो होता है 360 का। एक मुकम्मल सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है बच्चों, 360 का। अगर हम उस सर्कल के 360 हिस्से ही कर दिए जाए और जो एंगल एक हिस्सा सेंटर के साथ बनाएगा ना वो होगा 1 डिग्री के बराबर। अगर हम सर्कल के मुहित को इसके जो सर्कमफेरेंस है इसको इतने हिस्से बना दें, कितने बनाए 360 हिस्से, और जो एक हिस्सा सेंटर के एंगल बनाएगा वो बच्चों कितना होगा, 1 डिग्री। अब डिग्री और इसके अंदर क्या रिलेशन है, अच्छा बच्चों रेडियन में सर्कल के एंगल 2π होता है रेडियन। यहां से एक रिजल्ट बन लगाऊ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो एक मुकम्मल चक्कर के अंदर बच्चों अगर हम डिग्री में बात करें
एंगल है बच्चों वो 360 होते हैं। और अगर हम बात करें रेडियन फॉर्म में तो वो बच्चों होता है 2π रेडियन। अगर हम यहाँ से इसको अलग कर ले तो 3 2π लेफ्ट राइट पे जाके बच्चों डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा रेडियन बराबर है जी 360 / 2π। ये कट करेंगे तो आंसर बनेगा 180 degree/π। तो ये वैल्यू मिल गई है मुझे 1 रेडियन की, जिस वैल्यू को हम जो अपने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आगे एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हम इसके साथ खुद से 1 लगा दें तो आंसर तो यही आएगा ना, और 2π/360 बराबर है जी 1 degree की, डिग्री को इधर कर लिया, इन्हें करें काट तो π/180। तो ये है जी अगर एंगल हमारे पास डिग्री में लिया हुआ हो और उसको बदलना हो रेडियन फॉर्म में, उस एंगल को हमने π/180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर एंगल हमारे पास रेडियन में दिया हुआ हो और उसको हमने डिग्री में चेंज करना है, उस दिए हुए एंगल को हमने 180/π के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर हम अपने 9.1 का जो है पहला क्वेश्चन देखें तो उस क्वेश्चन के अगर हम स्टेटमेंट पे गौर करें तो उस पे लिखा होगा कन्वर्ट द फॉलोइंग STS सिस्टम टू या कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री मिनट और सेकंड। तो आइए हम बिला तखीर इसी भी सेशन के अंदर जो 9.1 है उसका हम पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं आया के स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या बात की हुई है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग STS सिस्टम इनटू रेडियन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है जी 30 डिग्री, हमने इस एंगल को रेडियन में चेंज करना है। तो क्या तरीकाकार है, मैंने पीछे लिखे थे वैल्यूज, जो भी एंगल है उसको π/180 के साथ हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आगे कटिंग होनी है, कटिंग के लिए बच्चों आप अगर स्क्रीन पे ध्यान दें तो ऊपर लिखा हुआ है 30, इसके बाद ये ABC वाला बटन दबाना है, फिर लिखा हुआ बच्चों 180। तो कटिंग के बाद इसने मैं आंच दे दिया 16, मतलब ऊपर 1 आएगा और 1 लिखते नहीं है ऊपर क्योंकि साथ पाई लिखा हुआ है, नीचे क्या आ जाएगा 6। तो ये एंगल किससे बदल गया, रेडियन फॉर्म में। अगर तो कटिंग नहीं ना होगी इधर से तो वो कटिंग वाला वो वैसे ही आंसर लिख देगा, तो कटिंग करके सिंपली पे होके आंसर लिख देना है। अब इसको ना डायरेक्ट मैंने चेंज क्यों किया है, क्योंकि ये एंगल मुझे डिग्री में दिया हुआ था, डिग्री को डायरेक्ट रेडियन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर एंगल मिक्स फॉर्म में हो, डिग्री में भी हो, मिनट में भी हो, सेकंड में भी हो, उसको डायरेक्ट चेंज नहीं करेंगे जब तक वो सारा एंगल डिग्री में चेंज ना हो जाए। इसके जो पहले ये 9 पार्ट्स हैं उन सब के अंदर एंगल डिग्री में दिया हुआ है, लेकिन जो 10 वाला है उसमें एंगल डिग्री में नहीं है बल्कि 10 डिग्री और साथ 15 मिनट्स। इसको डिग्री में हमने चेंज करना है पहले, तो 10 as it + 15/60 ये सारा डिग्री बन चुके हैं। अब कटिंग करेंगे इसकी 10 + 15 = 15 = 60 ऊपर डिग्री। अब इसका बच्चों करेंगे एलसीएम, 4 × 10 = 40 + 1 ऊपर डिग्री है जी, इन्हें करेंगे प्लस तो ये आ जाएगा 41/4 डिग्री। आगे हम इसको चेंज करेंगे, इस एंगल को हमने मल्टीप्लाई करना है π/180 के साथ। अब ये मेरे ख्याल से कटिंग नहीं होगी, ऊपर आ जाएगा 41π, नीचे आ जाएगा 720। चेक करते हैं कि कटिंग होती है कि नहीं, अगर ना होगी तो हमारा यही बच्चों क्या होगा आंसर होगा, तो 41 720। तो बच्चों ये कटिंग नहीं होती इसलिए हमारा आंसर यही होगा। अगर हम इससे फर्दर चलें कुछ और क्वेश्चन की तरफ देखें जिसमें इसने हमें डिग्री में भी दिया हुआ है, मिनट में भी एंगल है और साथ सेकंड में भी है, उसको हमने किस तरीके से डील करना है सो दैट जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए क्या हो जाए बच्चों, आसान हो जाए। तो आगे इसका बच्चों 12 नंबर पार्ट है, उसमें एंगल दिया हुआ 75 डिग्री 6 minutes and 30 seconds। तो 75 as it, 6/60, 30/3600,
ये सेकंड में है, इसको डायरेक्ट हमें डिग्री में लेके आना है, तो 3600 से तकसीम करना पड़ा है, ये सारा एंड डिग्री बन चुका है। 75 प्लस 1/6 10, 6 1 6 6 10 60, 10 आ गया, ये भी कटिंग करेंगे तो 1/1 20 आ गया। आगे बच्चों हमने इसका एलसीएम करना है, तो एलसीएम में आ जाएगा 120, क्योंकि 120 जो है वो 10 के टेबल में भी आता है और 120 के टेबल में भी आता है, इसलिए एलसीएम में क्या मिल गया, हमें 120 मिल गया। अब इसके नीचे नहीं कुछ भी नहीं है तो हम नीचे 1 लगा लेते हैं, तो 120 को जब हम बच्चों कहेंगे ना 1 पे डिवाइड, तो 8 से 120 ही आना है। अब जो 8 आएगा उसको हम 75 से मल्टीप्लाई करना है, तब बच्चों 120 को 75 से बच्चों करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर बच्चों आ जाएगा 9000 प्लस, इसे करेंगे डिवाइड 120 पे तो 12 आएगा, 12 1 प्लस 1, सारा एंगल डिग्री में, यानी आपस में बच्चों हमने प्लस करना है, तो इसका आ जाएगा 9013/120 मल्टीप्लाई π/180, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया 9013π ऊपर वैसे ही आ जाएगा। 180 को बच्चों हमने 120 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 120 मल्टीप्लाई 180, आंसर मिल गया मुझे 216 2160 रेडियन। ये इससे मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कटिंग नहीं होनी। आगे जो बच्चों इसका है पार्ट नंबर 14, 13 और 14 सेम तरह के हैं, बस फर्क इसके अंदर ये है कि चले मैं 13 वाला पार्ट पहले कर देता हूँ। 13 में लिखा हुआ बच्चों 120 मिनट एंड 40 सेकंड्स, तो 120/60 प्लस 40/3600, क्योंकि ये था बच्चों मिनट में, इसको डिग्री में लाने के लिए एक दफा 60 से किया, तो ये 40 था, तो इसको हमने 3600 से किया क्योंकि सेकंड में था। आगे इसको कटिंग करेंगे, 6212 प्लस 1/90, ऊपर ये डिग्री में चेंज हो चुका है। आगे बच्चों इसका एलसीएम 90 आ गया, 9 2 180 प्लस 1, आगे सिंपल क्वेश्चन इस तरह का हो जाएगा, जिससे अगले वाला है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। बच्चों मैं इसका एक और क्वेश्चन लास्ट वाला कर देते हैं, XBI 16 नंबर है जी, 3 सेकंड, तो हमने इसको 3600 के साथ कर दिया डिवाइड, ये डिग्री बन गया, और साथ ही हमने पाई ओवर से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 18 0, 60 को बच्चों हमने 6 3 600 से मल्टीप्लाई करना है, तो 60 को जब हमने 3600 के साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों, हमें आंसर मिल जाएगा π/216, आगे बच्चों कितने जीरोस हैं, 3, ये रेडियन। इस तरीके से आज के वीडियो सेशन के अंदर हमने चैप्टर नंबर जो 9 है उसकी जो डेफिनेशन है उसको वाइड अप किया है, और साथ ही क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको समझा है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है और उससे जो ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है उनको समझेंगे। तो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिए दो याद, अल्लाह हाफिज़।